नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचारों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल GOVPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बाद अब जिलाधिकारी हर शुक्रवार को लगाएंगे दरबार। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया को किया पदमुक्त। इन जिलों में अगले दो दिनों में लू बरपाएगा कहर। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। आस्था के महापर्व छठ का अनुष्ठान हुआ संपन्न। डिप्टी सीएम तारकिशोर ने एमएलसी चुनाव के नतीजों पर दिया बड़ा बयान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बाद अब जिलाधिकारी हर शुक्रवार को लगाएंगे दरबार। बिहार के मुख्यमंत्री जिस प्रकार बिहार की जनता की समस्याओं का निराकरण सप्ताह के हर सोमवार को करते हैं, उसी प्रकार सप्ताह के हर शुक्रवार को हर जिले के अधिकारी अपने जिले के आम लोगों का समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके लिए बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलों को आदेश भी जारी किया है। आदेश के अनुसार सभी जिलों में शुक्रवार को अधिकारी अपने कार्यालय में आम लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार के मुख्य सचिव ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और सीएम को आदेश दिया है कि सप्ताह के तीन दिन केवल कार्यालय में और बाकी दिन क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं की समीक्षा करने को कहा गया। वहीं शुक्रवार को अधिकारी अपने कार्यालय में आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। राज्य के करीब 80 लाख राशन कार्डधारियों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड का लाभ। राशन कार्डधारियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अच्छी खबर सामने आई है। मालूम हो कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत ही हर साल एक परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। बिहार में करीब 1,08,00,000 लाभुक की सूची में है। बिहार में अब करीब 29 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विमर्श कर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य के अंदर अब और 80 लाख राशन कार्डधारी परिवार को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा ताकि इससे वंचित लोगों को इसका लाभ मिल सके। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया को किया पदमुक्त। इस बार पंचायत चुनाव में न्यूनतम उम्र पर मुखिया बनने वाले लोगों की खबर काफी आई थी, जिसका परिणाम अभी देखने को मिला है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने औरंगाबाद जिले के कछपा पंचायत की मुखिया पद पर रिक्त घोषित कर दिया है। चुनाव रद्द करने की वजह मुखिया की उम्र नामांकन के समय 21 साल से कम होना बताई गई है। फैसले का आधार मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अंकित जन्म तारीख को बनाया गया। आयोग ने आधार और पैन में अंकित जन्म तारीख को मानने से इनकार कर दिया। इन जिलों में अगले दो दिनों में लू बरपाएगा कहर। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। बिहार में जैसी लू की स्थिति बनी हुई है वो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। सुबह 10 बजे के बाद सूरज की किरणें और गर्म हवाएं ऐसे सताती है कि मानो घर से बाहर निकलना सजा जैसा महसूस हो। ऐसे में मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट करते हुए कहा कि बिहार के बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और शेखपुरा में लू और तेज धूप अगले दो दिनों में और भी अधिक परेशान कर सकती है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन में अलर्ट मोड पर है, क्योंकि यही समय होता है जब अगलगी की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि अगर जरूरी नहीं हो तो दोपहर के बाद घर से कम ही निकलने की कोशिश करें। पुलिस अफसर और जवान को छोड़नी होगी मोबाइल की आदत। पुलिस अफसर हो या फिर जवान, अगर आपको भी है मोबाइल फोन की लत तो आपके लिए ये बुरी खबर है। आपको ये लत या आदत छोड़नी पड़ेगी। बहुत जरूरी होने पर ही उन्हें ड्यूटी के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने की इजाजत तब मिलेगी। ऐसा नहीं करने पर उन पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा बेवजह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई के लिए भी कहा है। ऐसा देखा गया है कि पुलिसकर्मी अपने काम के दौरान मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, इससे काम प्रभावित होता है। इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लोक आस्था के महापर्व छठ का अनुष्ठान हुआ संपन्न। छठ खासकर बिहार वासियों के लिए लोक आस्था का महापर्व है। ये सामान्यतः साल में दो बार धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत महीने में भी छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। हालांकि कार्तिक महीने में मनाए जाने वाला छठ काफी लोकप्रिय है। कार्तिक महीने में मनाए जाने वाले छठ की तरह इसमें भी सारे क्रियाकलाप होते हैं। इसी बीच आज छठ पर्व का आखिरी दिन रहा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज महापर्व छठ का अनुष्ठान सम्पन्न हुआ। डीजीपी का सख्त निर्देश, रोको टोको फोटो का हो अमल। डीजीपी संजीव कुमार सिंघल की अध्यक्षता में बिहार पुलिस मुख्यालय में अंतर प्रभागीय समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किया गया है कि अपराध की घटनाओं का स्वरूप तय करने के बाद जिन्हें
भी जगहों पर अपराध की घटनाएं ज्यादा होती हैं, ऐसा लगता है तो उन जगहों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित कर वहां गश्ती बढ़ा दी जाए। बैठक में पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि पुलिस गश्त को कारगर बनाने के लिए रोको टोको और फोटो का सिद्धांत अपनाया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि पुलिस गश्त के दौरान गश्ती अधिकारियों द्वारा संदिग्ध वाहनों को रोका जाए, उनसे पूछताछ की जाए और उनके वाहन को फोटो मोबाइल में लिया जाए ताकि अगर उनके इलाके में कोई घटना घटती है तो उन तस्वीरों के जरिए अपराधी की पहचान की जा सके। 125 कैदियों का बदलेगा जेल, 14 कर्मियों पर होगी कार्रवाई। इसी सप्ताह बिहार के अलग अलग जेलों में छापेमारी की गई थी। इस दौरान जेल में कई प्रतिबंधित सामान भी मिले, जिसके बाद कारा प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी और अब राज्य के 10 जेलों के 125 कैदियों को दूसरे जेलों में ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस सूची में कई वीआईपी और दबंग कैदियों के भी नाम होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा जेल में प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर 14 कारा कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। डीजल ऑटो पर प्रतिबंध के खिलाफ राजधानी की सड़कों पर ऑटो चालकों ने किया प्रदर्शन। 1 अप्रैल 2022 से राजधानी की सड़कों पर डीजल बस और ऑटो का परिचालन बंद कर दिया गया था, जिसके विरोध में कई ऑटो बस चालक सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार यानी कि आज ऑटो चालकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ऑटो चालक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों से जुड़े ऑटो चालकों ने पटना में पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही माले विधायक गोपाल रविदास सहित समिति के पदाधिकारियों के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में उन्होंने बिहार सरकार से फैसले को बदलने और उन्हें और ज्यादा मोहलत देने की मांग की। साथ ही डीजल ऑटो के परिचालन के लिए कम से कम 6 महीने की अवधि दी जाने की भी मांग की है। मंत्री जमा खान की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सीएम नीतीश। मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार रमजान का पवित्र महीना चल रहा, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गुरुवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और देश प्रदेश समाज और अमन चैन शांति और भाईचारा कायम रहने की दुआ मांगी। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं ने भी मुख्यमंत्री को भगवान बुद्ध की तस्वीर भेंट की। दावत इफ्तार में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा महेश्वर हजारी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा सहित कई मंत्री जमा खान के इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर ने एमएलसी चुनाव के नतीजों पर दिया बड़ा बयान। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल सी मची है। भाजपा के अंदर भी कई तरह की बातें चल रही हैं। कई सीटों पर पार्टी के नेताओं द्वारा भीतरघात करने का भी आरोप लगा है। नेताओं के इन आरोपों के बीच आज उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जहां भी पार्टी की हार हुई है उसकी समीक्षा की जाएगी और अगली बार पार्टी वहां जीत दर्ज करेगी। इस बार जो एमएलसी का चुनाव हुआ है उसके रिजल्ट के बाद भी हारे हुए सीटों को लेकर समीक्षा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं के साथ बैठक कर इस पर मंथन करेगी। सम्राट अशोक की जयंती पर भव्य समारोह का हुआ आयोजन, यूपी के मंत्री हुए शामिल। विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट अशोक के जयंती पर आज भाजपा के भव्य समारोह का आयोजन किया था। इसके लिए गांधी मैदान के पास सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में प्रस्तावित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। साथ ही जयंती समारोह में विभिन्न जिलों में से भाग लेने आने वाले पार्टी के 25,000 कार्यकर्ता के भोजन और ठहरने का इंतजाम भी किया गया है। विधान परिषद चुनाव में मुकेश सैनी हुए शाहरुख खान चित। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर हुए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, साथ ही मतगणना हो गई और परिणाम भी आ गए हैं। 4 अप्रैल को इसके लिए मतदान किया गया था, वहीं बीते दिन मतगणना हुई, जिसके बाद उन सभी नेताओं का सच सामने आ गया है जो मतगणना से पहले अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उन्हीं में से एक नाम है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का। जैसा कि मालूम हो कि मुकेश सहनी ने भाजपा से 3 सीटों की मांग की थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें ये सीट नहीं दी। ऐसे में गुस्से में बौखलाए मुकेश सहनी ने भाजपा के खिलाफ 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। हालांकि एक भी सीट वो जीत नहीं पाए। चुनाव परिणाम बताते हैं कि मुकेश सहनी के लिए बिहार की राजनीति की डगर पर खुद को खड़ा करने के लिए अभी और मेहनत करने की जरूरत है। नीट के स्कोर पर नर्सिंग कोर्स में भी होगा नामांकन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तरफ से आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही अब नर्सिंग कोर्स में नामांकन करवा सकते हैं। मालूम हो कि नीट परीक्षा 17 मई को आयोजित होने वाली है। इस बार नीट के स्कोर पर नर्सिंग में भी नामांकन होगा। गोल इंस्टीट्यूट के निदेशक विपिन सिंह ने बताया कि नीट यूजी 2022 के तहत एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्स और बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए नामांकन लिए जाएंगे। आपको बता दें कि नीट यूजी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। पृथ्वी शॉ ने जोड़ा तूफानी अर्धशतक। बीते दिन आईपीएल का 15वां मैच लखनऊ और दिल्ली के बीच खेला गया।
आईपीएल 2022 में डेविड वार्नर का दिल्ली की तरफ से ये पहला मैच था। वहीं अगर पृथ्वी शॉ की बात करें तो इस सीजन में वो पहली बार इतने बरसे। सिर्फ 34 बॉल में 61 रन बनाने वाले पृथ्वी शॉ ने अपनी पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने तेज गेंदबाज आवेश खान पर हैट्रिक चौका लगाया। पृथ्वी शॉ का स्ट्राइक रेट 170 के करीब रहा। वहीं डेविड वार्नर से फैन जितनी उम्मीद लगाए बैठे थे उस उम्मीद पर वो खड़े नहीं उतरे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कुश कुमार यादव, सोनाली सिन्हा, शंकर मुखिया, मुकेश रॉय, अजय भारती, कविता कुमारी, वैद्यनाथ ठाकुर, रंजीत मिश्रा, अविनाश चौधरी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हमारे दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आयुष्मान कार्ड योजना का बिहार में लोगों को लाभ मिल पा रहा है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।